नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके बीच सोशल मीडिया का हमारा खास एपिसोड सोशल हलचल लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौन सी खबरें इन दिनों भौकाल काट रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक चोरी की घटना की। अब तक आपने पुलिस को चोरों को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस चोर के जज्बे को आप जमकर सलाम करेंगे। सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। सीसीटीवी में कैद हुआ ये घटनाक्रम है सतना जिले का। सतना जिले में चोरी की एक घटना हुई। अब आप कह रहे होंगे कि चोरी तो हर दिन मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में होती है, इसमें खास क्या है? भाई साहब, इसमें बहुत कुछ खास है। ये चोर जिस घर में चोरी कर रहा है वो कोई आम आदमी का नहीं, बल्कि एक आईपीएस का घर है। आईपीएस आशुतोष बागरी, जो कि इन दिनों मुरैना के एसपी के पद पर पदस्थ है, उनके घर में ये चोर भाई साहब जो है पेट्रोल चुराने के लिए घुस गए और बाकायदा चोरी भी कर ली गए। अब सोशल मीडिया पर चोरी की घटना का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग अपने अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलों के अलग अलग रंग के वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पंडितों और पुजारियों के क्रिकेट मैच खेलने का वीडियो दिखाया था। आज डिंडोरी का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देख कर हर कोई कह रहा है कि वास्तव में मेरा देश बदल रहा है। वायरल वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक जनजाति क्षेत्र की महिलाएं एक ग्राउंड में खेल खेल रही हैं। कबड्डी और क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इसमें महिलाएं कोई ड्रेस कोड नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक वेशभूषा साड़ी और ब्लाउज जो परिधान होता है, पारंपरिक ग्रामीण परिधान, उसमें कबड्डी खेलती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो डिंडोरी जिले का है। इस वीडियो के बारे में जब हमने जानकारी निकाली तो पता चला कि डिंडोरी जिले में इन दिनों आनंद उत्सव चल रहा है। उसी के तहत ये खेल ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे, जिसमें दो गांवों की महिलाओं के बीच ये एक प्रतियोगिता चल रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। भाई जब मध्य प्रदेश में बहुत जोर की ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि लोग अपने कम्बल से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन आपने कभी कोई ऐसा तरीका आजमाया है ठंड से बचने के लिए जो इन लड़कों ने आजमाया है? ये तरीका कुछ खतरनाक है और ये वीडियो इसी खतरनाक तरीके की वजह से वायरल हुआ है। सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। आपने देखा होगा कि एक लड़का बाइक चला रहा है और उसके पीछे एक और लड़का आग जलाकर, सिगड़ी में आग जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहा है। एक बॉलीवुड म्यूजिक भी इसके पीछे डला हुआ है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो इंदौर का है और इस खतरनाक स्टंट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। यूजर्स की कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं लोगों के द्वारा यह दी गई हैं कि अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसे स्टंट नहीं करना चाहिए। अब कुछ भी हो, लड़कों ने जज्बा दिखाया और गाड़ी पर बैठे, अब देखना ये होगा कि इंदौर की ट्रैफिक पुलिस इनके ऊपर कितने का चालान करती है और क्या कार्रवाई करती है। तो ये थी आज की सोशल मीडिया की तमाम हलचल। आगे भी मध्य प्रदेश की हर एक सोशल मीडिया की छोटी बड़ी खबर लेकर मैं आपके बीच आता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आयुध, हमारे साथ बने रहिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।